tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and pressing the bell icon so that you don't miss out on any of our videos. Besides that, to keep in touch real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. The date is 14th of June, Friday hai, but I got some free time, so I thought aaj kuch nayi place explore karte hai. It's not a new place actually, it's like reliving memories. School time pe maine ye place visit ki thi, and uske baad matlab around 17 years ke baad main aaj wapas wahan pe jane wala hu. Us time pe jo thrill tha, us time pe jo kuch crazy activities ki thi, wo to aaj nahi karenge, but still I'll try to relive those moments, aapke sath share karne ki koshish karunga. Aur haan, aaj hamare sath ek aisi hasti hai jo mere liye राइडिंग के मामले में एक इंस्पिरेशन रही है, तो उनसे भी मुलाकात होगी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ बातें होंगी. एंड अबाउट द प्लेस, आपने थंबनेल में देखा होगा लेकिन थंबनेल में भी नाम नहीं डाला है मैंने प्लेस का, तो उसके बारे में जाते जाते ही बात करेंगे. लेट्स गो. सो एज आई सेड, फ्राइडे है तो प्रियंका को तो छुट्टी नहीं है, लेकिन युवा को छुट्टी ही छुट्टी है, तो वो निकल पड़ी है मेरे साथ. वैसे भी ट्रैकिंग का नाम सुन के वो इतनी एक्साइट हो जाती है, उसको सिर्फ बोलो डोंगरावर साइड से मतलब पहाड़ी पे जाना है, एंड शी इज़ लाइक जंपिंग इन जॉय, उसको चलना ही होता है. बाय द वे, आज पहली बार उसको बाइक पे इतनी दूर लेके जा रहा हूँ अकेला. मतलब इससे पहले मैंने सोलापुर से सातारा उसको ट्रैवल कराया था, बट दैट टाइम शी वॉज हार्डली अ 1 ईयर ओल्ड. अभी यहाँ से जाएंगे करजत, करजत में प्रकाश सर से मिलेंगे जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, एंड देन विल प्रोसीड टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन फॉर टुडे. पहली बार युवा को बाइक पे ऐसे अकेले लेके निकला हूँ, और एडवेंचर लेवल थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है मैंने. खंडाला घाट में चला रहा हूँ उसको लेके, आगे जाके थोड़ा कच्चे रास्तों पे भी चलना है. लेट्स सी, होपफुली वो बैलेंस कर लेगी, और होपफुली ट्रैक वगैरह करने के बाद वापसी में उसको नींद ना आए, नहीं तो गाड़ी पे सोने का उसने अगर जिद कर ली तो फिर हो गया काम. So the bikes are parked and trek is on. Madam ne apni jagah le li hai. By the way, studs ke wo kids wale helmet ka aaj first ride review hum lene wale hiva se upar pahunch ke. That's where we are going. एक छोटा सा ही है लेकिन स्टीप है, और ऊपर पहुंच के जो व्यूज है जाके ही पता चलेगा. बाय द वे, मीट प्रकाश सर. हाय. इनके बारे में बहुत कुछ बात करनी है, इनसे बहुत कुछ बात करनी है ऊपर जाके. अभी के लिए जो मैंने सुबह सुबह बोला था निकलते वक्त, इज लाइक ए इंस्पिरेशन जिनकी वजह से राइडिंग स्टार्ट किया मैंने. सो इसका बहुत डिटेल आएगा ऊपर पहुंचने के बाद. सीधा चलने वाला रास्ता ख़त्म और एक्चुअल ट्रैक चालू, और चालू का मतलब चालू होते ही ऐसे चालू. इट्स अ शॉर्ट ट्रैक बट क्वाइट स्टीप वन. सो अभी और सस्पेंस नहीं रखते. लोकेशन इज ये जो पूरा दिख रहा है, दैट इज आई एन एस शिवाजी, ऑन द अदर साइड लायंस पॉइंट. सो इन शॉर्ट वी आर इन लोनावला, और ये ट्रैक है ड्यूक स्नोज का, जिसको नागफनी भी बोलते हैं. ड्यूक स्नोज इज फेमस फॉर रैपलिंग, यहाँ से रैपल डाउन करने के लिए बहुत लोग आते हैं. सो इवन आई हैव अ स्टोरी अबाउट रैपलिंग फ्रॉम हियर, ऊपर जाके वो भी शेयर करूँगा. वैसे तो मैडम का सेकेंड ट्रैक, लेकिन पिछले ट्रैक में जो कोथड़ीगढ़ का था उसमें पूरा टाइम कंधे पे बैठी थी, लेकिन आज इसको चलना है. मतलब जो इजी ट्रैक था उस पर कंधे पे बैठना था, और जो स्टीप है उस पर चल के जाना है. द बेस्ट फीलिंग इज़ टू नो दैट she is enjoying it, she is loving it.
there. Hardly last 50 or 100 meters left. So as I had said, in spite of taking a lot of halts, like lot of means 2-3 baar ruke the, but still I think fir ardha tas lagla, did it in half an hour. Yes. Let's say aur 5 minute lagenge upar jane ko, and then I'll show you what heaven is. So for now we'll see the other side of heaven. Actual heaven is on that side. Look at this. One more summit Eva ke saath. There you are. Ye jo temple hai samne, that is the topmost point. Here we are, the top of Duke's Nose or Nagpani, whatever. This is Khandala town. Aur ye valley ke us taraf express way pura. Most probably wide angle mein recognize nahi hoga, but this is an amazing spot. So this is actually a rappelling point. It's very famous for rappelling. Yahan se pura rock cut face hai, around 400 feet ka. 400 foot rappel karna hota hai one stroke. There is no point to relax. Neeche jaake hi rukne ko chance milta hai. So there is a point down there jahan se ye cliff acche se dikh sakta hai. We'll try to find out a way so that वहाँ पे पहुँच के वहाँ से व्यू दिखा सके. But as I said, इससे पहले मैं यहाँ पे आया था. It was in my school days. I think I was in 9th standard. 13 years old I was. उस time पे ये rappel down किया था मैंने. And it was such an amazing experience. यहाँ से पहला जो step लेना है rappelling का, वो step लेते वक्त इतना डर गया था कि I had literally cried. मुझे अभी तक याद है, मैं रो रहा था यहाँ पे. इट्स अ फ्राइटनिंग साइट. मैंने स्टील फोटो लिया है अभी वहाँ का, जो वैली है वो स्टील फोटो अभी दिखेगा आपको. बट यहाँ से रैपलिंग अगर आप किसी ग्रुप के साथ आते हो, कोई बहुत से कमर्शियल एडवेंचर टूर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो यहाँ से रैपलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड इट्स अ वर्थ एक्टिविटी. बहुत मज़ा आता है. स्टड्स का जो किड्स वाला हेलमेट है युवा का, उसका फर्स्ट राइड रिव्यू लेने वाले हैं. बड़ा तुला ते हेलमेट आवडलं? हाँ, कसं आहे हेलमेट? छान आहे. तू घालणार ते रोज रोज? अजून काय ते इथे इथे दुखलं नाही ना तुला? नाही ना, अजिबात नाही दुखलं. मग तू रोज घालणार हेलमेट शाळेत जाताना? सो स्टड्स पीपल, इफ यू आर वॉचिंग दिस, शायद उस हेलमेट का पहला यूज़र रिव्यू होगा, तो यू कैन बी काइंड टू मी. स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ मिल सकता है तो देखो. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ. प्रकाश सर, हाय. सो इनके बारे में इंट्रो अगर देना है तो एक लंबी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी मुझे. He is the one जिन्होंने 2003 में, right? 1993 first. नहीं नहीं, you are Singapore, right? 2006 में पल्सर 150cc पे करजत से सिंगापुर विद पिलियन राइड किया था. Along with luggage. Yeah, of course. Luggage, pillion, everything, no backup, nothing. सिर्फ दो लोग बाइक पे बैठे निकल पड़े. तो दैट इज वन. सेकेंड 1993 में फर्स्ट लद्दाख राइड. तब से लेके
यामा 100cc से लेके बाइसिकल से लेके सब ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पीति लद्दाख एवरीथिंग ही हैज़ डन एंटायर यूरोप ऑन साइकिल. सो इट्स लाइक हम लोग स्कूल में थे जब से राइडिंग क्या होता है सिर्फ इनको देखा है. लॉन्ग डिस्टेंस राइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ये सब सिर्फ यही अकेले करते थे करजत में, उस टाइम पे और कोई नहीं था. तो ही इज़ काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन की जिनकी वजह से मैंने बाइक पे एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड नाउ आई एम इन लव विद इट. अभी उतरते वक्त उसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो चल के उतरना है. और चल के नहीं एक्चुअली उसको तो दौड़ के उतरना है. Jump. ही वाट तिकडे तर नाही गेले ना, बघूया का बहुते कसं मला वाटतंय. सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द ट्रेल विच लीड्स टू दॅट प्लॅट्यू विच आय टॉक्ट अबाउट. उस प्लॅट्यू पे अगर पहुंच गए तो वहां से वो क्लिफ बहुत बढ़िया दिखेगा एंड इवन आई विल बी एबल टू शो यू जो रैपलिंग करते हैं वहाँ से. लेट्स होप कि ये वही रूट है. सो इट्स लीडिंग टोटली इनटू द जंगल. अपना ट्रैक ऐसा ही होता है, कहीं पे भी कभी भी घुस जाओ. सो एज आई सेड नीचे उतरने के बाद दूसरी तरफ से रास्ता था दिस ट्रेल फ्रॉम हियर. यहाँ से आए, दिस इज़ द प्लेट्यू वेयर वी आर कैंपिंग के लिए. अमेजिंग स्पॉट है, मतलब जितना बड़ा पॉज लिया ना अमेजिंग बोलने में उतना ही बड़ा एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो, क्योंकि उसके सामने जो व्यू है इज दिस. 10 मिनट पहले वहाँ टॉप पे खड़े थे. सो एट द एज ऑफ 13 years ये पूरा रॉक फेस मैंने रैपल किया था ऊपर से नीचे तक एक रोप पे, फिर ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवर्स और दोनों चट्टानों के बीच में से फिर ऊपर. क्या एक्सपीरियंस था वो, आई स्टिल रिमेम्बर, इट स्टिल गिव्स मी गूज़बम्प्स. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स इन लोनावला. This is all that I wanted to show. आज के ब्लॉग का यही डेस्टिनेशन था, ड्यूक्स नोज और नागफणी खंडाला के पास में है ये स्पॉट. नीचे बैठ के बात करेंगे सो दैट ईवा भी फ्रेम में आएगी. आय शाबाश. सो ऑल इन ऑल करजत से अराउंड 40 kilometers ड्राइव और उसके बाद आधे घंटे का ट्रैक और दूसरे रूट से ये 15 मिनट का सिर्फ ट्रेल वॉक जहाँ से ये व्यू दिखता है. 400 फुट का रैपल है ये, कंपलसरी कमर्शियल टूर ऑपरेटर्स प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर्स के साथ ही आपको आना पड़ेगा या फिर किसी प्रोफेशनल इक्विप्ड और नॉलेजबल जो माउंटेनियर होगा उसी के साथ आना पड़ेगा. यू कैनॉट डू दिस ऑन योर ओन बिकॉज इट्स अ वॉट यू कॉल अ टफ रैपल क्लाइंब, तो भूल ही जाओ इसको. पता नहीं किसी ने किया होगा, शायद प्रोफेशनल्स ने तो पता नहीं, बट ऑल इन ऑल दिस इज़ वॉट इट इज़ फॉर टुडे. कभी अगर अभी मानसून चालू हो रहे हैं तो लोनावाला खंडाला विजिट करने का तो आपका कभी ना कभी प्लान बनेगा ही. वीकेंड में भूशी डैम में भीड़ करने से अच्छा है कभी यहाँ पे विजिट करो, दिस इज़ वर्थ अ प्लेस. और बारिश में यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होगा, बहुत मज़ा आएगा. सो विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड शेयर विथ ऑल योर फैमिली एंड सर्कल्स. सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. फेसबुक और इंस्टा पे हमें अगर फॉलो नहीं करते हैं अभी तक, डोंट फॉरगेट टू फॉलो, द हैंडल्स आर फ्रेशिंग राइट डाउन हियर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संडे 2 PM, द टाइम इज़ फिक्स्ड.
Stay tuned, stay connected, and stay happy. Keep counting kilometers.